अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आशु शब्बीज कैफ़े। और आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड रेसिपीज़, स्ट्रॉबेरी का शरबत, जैम और स्ट्रॉबेरी की चटनी। तो स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी होता है। सबसे बड़ी खूबी मुझे अब इस सीज़न में इसकी ये लग रही है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि हमारी डाइट में विटामिन सी रोज़ाना काफ़ी मिकदार में मौजूद रहना चाहिए। तो ये तो विटामिन सी से रिच होती है, तो इसे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें आजकल, और सीज़न भी है ऑब्वियसली। तो इससे डिफरेंट रेसिपीज़ बनाएंगे आज, और ताकि आप स्ट्रॉबेरी खाने के अलावा और मिल्क शेक के अलावा भी उसको डिफरेंट वैरायटीज़ की सूरत में इंजॉय कर सकें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यस, वी हैव हाफ के जी स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का जो है मैं स्ट्रम रिमूव कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी बहुत स्मॉल पीसेस में, लाइक दिस। इसी तरह से मैं सारी स्ट्रॉबेरीज को स्मॉल पीसेस में कट कर लूँगी। और टू लेमन्स हैं, इसको मैं हाफ करके इसके बीच निकाल के स्क्वीज कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ बाकी के इंग्रेडिएंट्स। जी, तो ये स्मॉल पीसेस में करके मैंने स्ट्रॉबेरी को शिफ्ट कर दिया अपने मिक्सिंग बाउल में, और 8 टेबलस्पून मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस जो मैंने स्क्वीज कर लिया है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्स करके इसको तकरीबन हम लोगों ने 12 घंटे के लिए छोड़ना है, और फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। जी, बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके मैं 12 आवर्स के लिए छोड़ रही हूँ, ताकि इसका कुकिंग जो टाइम है वो कम हो सके, और बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी ये है उसके बाद सॉफ्ट हो जाएगी और गल जाएगी, और हम अच्छे से इसका जैम और चटनी तैयार कर सकेंगे। तो डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए ब्राउन शुगर बहुत अच्छी है, अदरवाइज़ जो इसका नहीं पसंद करते इसका फ्लेवर, या फिर जिनके पास नहीं मौजूद, तो वो डजेंट मैटर, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जी, तो स्ट्रॉबेरी को ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, 12 आवर के लिए भी छोड़ सकते हैं, और अगर टाइम कम है, आप नहीं इतना टाइम रख सकते, तो 1 आवर जो है वो मिनिमम टाइम है, आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब मैं इसको पैन में शिफ्ट कर रही हूँ। जी, पैन में मैंने डाल दी है अपनी स्ट्रॉबेरीज को, और अब इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे तक रखेंगे कवर करके। जी, तो स्ट्रॉबेरी का जो शरबत है वो बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए 300 ग्राम्स जो है वो स्ट्रॉबेरी है, जो मैंने हाफ पीसेस में एक स्ट्रॉबेरी के 2 पीसेस जो है कट कर ली हैं। शुगर चाहिए 3 टेबलस्पून, और काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ये आपको चाहिए 1/4 टीस्पून, और एक लेमन है, ठीक है। इसको मैं हाफ करके बीच निकाल ली है मैंने, इसको स्क्वीज करके डालूंगी, और इसके अंदर अब मैं ब्लेंडर जग में इसको ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरीज को, सॉल्ट, शुगर, और इसके अंदर मैं तकरीबन जो है 3 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, और एक लेमन स्क्वीज कर रही हूँ, और फिर इसको मैं करती हूँ ब्लेंड। जी, तो स्ट्रॉबेरी शरबत जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, इसकी आप लुक देख लें, ये रेडी है। जी, ये देखें, आधा घंटा हो चुका है, ये पक रही है बहुत अच्छे से। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा और मज़ीद गाढ़ा करना है, और पीसीस को साथ साथ मैश करते जाना है, मशी फॉर्म में आ जाए अच्छे तरीके से, स्ट्रॉबेरी मैश हो जाए। यहाँ एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पोट जो है थोड़ा भरा लेना है, 30 मिनट जब आप रखेंगे इसे कवर करके, तो और साथ में बीच में 1-2-3 बार आप लोगों ने चम्मच भी चला देना, और फिर कवर कर देना, ठीक है। जी, ये देखें, ये बहुत अच्छे से पकड़ा है। जी, तो ये इसके बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं कि मैं इसको पका रही हूँ कि ये गाढ़ा हो जाए,
और जैसे ये जो टाइम में आप पका रहे हैं और इसको गाढ़ा कर रहे हैं, इस दौरान आप लोगों ने मीठा इसका चेक कर लेना है, क्योंकि मीठा जो है हर एक की अपनी चॉइस होती है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा पसंद करता है। तो इस स्टेज पे आपको जितना पसंद हो उतनी आप चीनी और भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, ये काफ़ी थिक फॉर्म में आता जा रहा है, ये देखें बिल्कुल जैम की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। ये देखें बहुत गाढ़ा हो गया। अब इसको आप लोगों ने चेक करने के लिए एक और चीज़ है, आप इसे प्लेट पर थोड़ी देर प्लेट फ्रिज में रखें और वो ठंडी हो जाए, उसके ऊपर आप इसको थोड़ा सा डाल के देखें, अगर ये ड्रिप नहीं होगा वहीं पर स्टिल रहेगा तो इट्स मीन कि हमारा जैम रेडी है। जी, तो स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, बहुत थिक सा, बहुत मज़े का, यमी सा। अब इसको मैं थोड़ी देर रखने के बाद जो है इसकी ज़रा स्टीम रिमूव होती है, तो इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ और ठंडा करती हूँ। तब तक के मैं चलते हैं स्ट्रॉबेरी की चटनी की तरफ, उसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें। जी, तो चटनी के लिए, स्ट्रॉबेरी की चटनी के लिए हम लोगों को चाहिए 1 इंच का मैंने लिया था अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने बहुत अच्छे से ये देखें ग्रेट कर लिया है। और उसके अलावा हम लोगों को चाहिए ज़ीरा, ज़ीरा चाहिए हम लोगों को तकरीबन 1/2 टीस्पून, और एक रेड जो है साबुत रेड लाल मिर्च, और इसके अलावा चाहिए ये 1 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्चों का पाउडर, और मैंने लिया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ये दोनों चीज़ें आप अपने जायके के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हल्दी मैंने ली है 1/4 टीस्पून, और ये है जी चाट मसाला, ये भी मैंने लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून, और ये है पुदीना, पुदीना मैंने जो है थोड़ा सा इसको चॉप कर लिया है, तकरीबन इसमें जाएगा 3 to 4 स्पून। जी, तो पैन में मैंने ऑयल ऐड कर लिया, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया। इसमें मैं ये ग्रेट किया हुआ जो अदरक है ये डाल रही हूँ, और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च। आंच को रखा हुआ है मैंने मीडियम, और इसको ज़रा हम लोग फ्राई कर रहे हैं। जी, इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया, और ये देखें क्रैक क्रैक की आवाज़ें आ रही हैं। इस स्टेज पे हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। जी, तो मसाला ये देखें फ्राई हो रहे हैं हमारे स्पाइसेस, इस दौरान हम लोगों ने इसमें पुदीना ऐड कर देना तकरीबन 2 टेबल स्पून तक, कटा हुआ पुदीना है। इसको मिक्स कर लें। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये जो हमारे स्पाइसेस हैं ये भुन गए हैं, ऑयल ऊपर आ रहा है। इस स्टेज पर हम लोगों ने ये जो जैम बनाया था इसको मैंने हाफ जैम की सूरत में निकाल लिया, और बाकी की जो इसकी बाकी हाफ जैम है इसके अंदर मैं इसको शामिल कर रही हूँ। जी, ये देखें मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर वो जो हम लोगों ने उसका तड़का तैयार किया है स्पाइसेस को मिलाकर ग्रेटेड अदरक के साथ और पुदीने के साथ और सब स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन, उसको फ्राई करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये शुरू के हमारे फर्स्ट प्रोसीजर से 2 जो हमारी चीज़ें हैं वो रेडी हो जाएंगी, और बहुत ही मज़े की और यमी आपको बहुत अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह ताला। जी, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है मिक्स कर रही हूँ, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जस्ट इसे मिक्स करना है और अपना स्टॉक हम लोगों ने कर लेना है फ्लोर। जी, तो रेडी हो चुकी है हमारी स्ट्रॉबेरी से बनी हुई जैम, जैम की लुक देखें आप लोग, और ये है चटनी। तो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है और खाने में भी इतनी ही मज़े की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।